गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो वंदे मातरम मैम। पांच मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के आने का, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? रिंग तक मैम, रिंग तक। कहाँ तक हुआ था? रिंग रिंग का हो गया था। ठीक है, रिंग का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, है ना। रिंग के वेरियस केसेस भी देख लिए थे जो मैं बस हमारे पास। यस मैम, यस। देखिए तो आज हम लोग करेंगे लाइन चार्ज एलिमेंट के लिए, कि अगर कोई लीनियर चार्ज एलिमेंट है उसके लिए कैसे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। इवनिंग मैम। अटेंडेंस फिल कर दीजिए, कितने आप लोग? मैम गुड इवनिंग। अच्छा, इस बैच में दिल्ली स्टूडेंट्स हम दिल्ली वाली लिंक नहीं आई। दिल्ली वाली लिंक नहीं आई अभी। दिल्ली के तो दो ही हैं, मैंने बोला दिल्ली वाले हैंड रेस करो। दिल्ली के 12 बच्चे हैं इसमें, बाकी के हिमाचल वाले हैं, राइट। माधव तुम कौन से बैच में हो? तुम इस वाले बैच में भी आते हो? माधव आप किस बैच में हो? मैं इसी बैच में हूँ। अच्छा, आप BO3 में हो, ठीक है। जतिन भी BO3 में है। यस मैम। अच्छा, अब एक बार मुझे हिमाचल, एक सेकंड अभी रुको ना, ये लोअर रोल कर देती हूँ। अभी अभी मुझे हिमाचल वाले बच्चे, अनन्या हिमाचल के, अंजलि, पीयूष, कृष्णा, रुचिका, मैं ना एक बार बच्चों को रिमाइंड कर रही हूँ हिमाचल में से कौन से बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, पीयूष, टोटल 20 ही बच्चे हुए अभी भी, जो बाकी के 8-9 बच्चे हैं वो कौन से बच्चे हैं? बच्चे तो हमारे पास 29 शो कर रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, मैम
मैम महाराष्ट्र विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट द क्लास. देखो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. ठीक है, आज के टॉपिक पे पूरा ध्यान देना. उसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे बट क्वेश्चन टॉपिक समझने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि वो टॉपिक इतना मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ कि मैं चैट ना पढ़ पाऊँ. तुम लोग क्या करना, अनम्यूट करके तो क्वेश्चन पूछ लेना अगर कहीं पे डाउट हो तो. ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व. अच्छा यहाँ पे देखो, अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकालनी है. एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, चार्ज वायर के लिए मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. राइट, चार्ज वायर कैसी होगी, एक वायर मतलब बिल्कुल एक पतली सी तार होगी इस तरीके से. ठीक है, तार होगी, इस पूरी वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा यूनिफॉर्मली. ठीक है, पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, लेंथ इज एल और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो मुझे बताओ कौन सा कॉन्टिन्यूस बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे. लीनियर. लीनियर लेंगे. लीनियर के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, लैम्डा. तो इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा. अब मान लीजिए मुझे पॉइंट पी पे, दिस इज द पॉइंट पी, मुझे इस पॉइंट पी पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चों. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो सबसे पहले जो इस वायर के एंड पॉइंट्स हैं, सपोज ए एंड बी, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उसको क्या कर दो, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वहां पे कनेक्ट कर दो. जैसे मुझे बी, ये मैंने क्या कर दिए, ए और बी पॉइंट क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए. ठीक है, अभी क्या करो, फिर एक यहाँ से रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो. सपोज मुझे यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, ये है ओपी, दिस ओपी इज द रेफरेंस लाइन. ये क्यों है, इस रेफरेंस लाइन से देखो, एक हमारे पास यहाँ से मैंने थीटा लिया इस डायरेक्शन में, उसको नाम दिया थीटा वन. ये थीटा वन कौन सा एंगल है, जो मैंने रेफरेंस लाइन से इस वाली जो लाइन को, जो ये वाला एंड यहाँ तक अटैच कर रहा है. राइट, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट पी को जो लाइन ज्वाइनिंग है वहां से मैंने क्या लिया है, पॉइंट थीटा लिया है. दिस इज द रेफरेंस लाइन. सपोज इस रेफरेंस लाइन से एंगल थीटा लिया है, किस लाइन पे, जो लाइन जॉइन कर रही है पॉइंट पी को वायर के एक एंड पे. सिमिलरली इस रेफरेंस लाइन को दूसरी लाइन से भी जॉइन करोगे, जो इस पॉइंट पी को दूसरे एंड से कनेक्ट कर रही है, दिस इज पॉइंट बी. इसको देखो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन लिया है, तो दिस इज थीटा टू. इतना समझ में आया, ये डायरेक्शन क्या है, देखो कौन सी डायरेक्शन ली है मैंने, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. इतना क्लियर है कि किस तरीके से हमने क्या क्या लाइन ड्रॉ करी है. भाई ये यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी है जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. अच्छा, मैं यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस मान ले रही हूँ वो मान ले रही हूँ बच्चों कितनी, आर मान ली. ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स. देखो अगर मैं इसकी कॉम्पोनेंट्स की बात करूं, ये हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, मुझे पॉइंट पी पे निकालनी है. अब मान लो ये पॉइंट है आर और ये पूरी लाइन थी कितनी, एल, दिस पूरी एल लेंथ की वायर थी. अब हम क्या लेंगे भाई, एक स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, कितनी दूरी पे, x दूरी पे, इस रेफरेंस लाइन से x दूरी पे मैंने एक लाइन, एक स्मॉल एलिमेंट कट किया विच इज dq. ठीक है, एक वेरी स्मॉल एलिमेंट कट किया, कौन सा, dq. अब देखो जब ये dq एलिमेंट कट किया, इसकी वजह से अब आपको क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वो निकालने पड़ेंगे कॉम्पोनेंट्स. मानो इस E पॉइंट पे ये मेरा छोटा सा Q की वजह से छोटा सा DE एलिमेंट. अच्छा भाई, रेफरेंस लाइन से ही एंगल ले रहे हैं, तो मान लो ये एंगल रेफरेंस लाइन से थीटा है इस DE के लिए. ठीक है, अब
ये वाली रेफरेंस लाइन आगे बढ़ा दो तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा यहाँ पे, तो ये क्या एंगल आया डीई कॉस थीटा, और देखो ये वाला कौन सा एंगल आया बच्चों डीई साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास दो कॉम्पोनेंट्स हो गए, एक तो डीई साइन थीटा एक डीई कॉस थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर वायर में सिमेट्री प्रोड्यूस होगी, वायर में सिमेट्री होगी यानी ये लाइन ये इस लाइन के ऊपर वाली लेंथ और इस रेफरेंस लाइन के नीचे वाली लेंथ अगर बराबर है तो मुझे बताओ सिमेट्री होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। सिमेट्री होने की वजह से कौन सा कॉम्पोनेंट हमेशा जीरो होता है? तो जब भी अब देखो सपोज अगर क्या हो साइन से ऊपर वाली डिस्टेंस और नीचे वाली डिस्टेंस अगर बराबर हो, सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो, तो सिंपल सी बात है आपका जो ई वाई वाला कंपोनेंट है जो डी ई साइन थीटा है फॉर सिमेट्री अपनी नोटबुक में लिखो फॉर सिमेट्री दिस विल इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट, सिमेट्री के लिए ये डी ई साइन थीटा क्या हो जाने वाला है जीरो। बट अगर सिमेट्री नहीं है, मान लो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर वाली लाइन का डिस्टेंस एल है और नीचे वाली लाइन का डिस्टेंस एल डैश है, सिमेट्री नहीं बैठेगी तो आपको डी ई साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा और डी ई कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब कॉम्पोनेंट्स निकालने पड़ेंगे आपको, क्या डी ई कॉस थीटा भी और डी ई साइन थीटा भी। तो सबसे पहले एक निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों बहुत दूसरा बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करो डी ई कॉस थीटा, कॉस थीटा ई एक्स कॉम्पोनेंट है यहाँ पे, ये याद रखो ई एक्स कॉम्पोनेंट किसका है, ये फील्ड का ई एक्स कॉम्पोनेंट है, ये फील्ड का ई एक्स कॉम्पोनेंट है, ये फील्ड का ई वाई कॉम्पोनेंट फील्ड का। अब ई एक्स की वैल्यू है डी ई कॉस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन तो हमें करना ही है। अब देखो स्मॉल डी क्यू एलिमेंट जो तुमने कट किया है, ये दिस इज द स्मॉल डी क्यू एलिमेंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो पी पद। छोटू के लिए तो हमें निकालनी आती है, छोटू के लिए डी ई कितना हो जाएगा, ए हमारे पास क्या है तो ये है ई एक्स का कॉम्पोनेंट। तो अब यहाँ पे लिखूंगी मैं क्या आया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब मुझे डी क्यू बताओ, डी क्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? लैम्डा डी क्यू स्मॉल पार्ट डी क्यू लिया था, देखो लैम्डा किसके बराबर होता है भाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब आपको भाई क्या निकालना है, लैम्डा गिवन है, आपको डी क्यू चाहिए, तो कितने डिस्टेंस के लिए है, देखो डी एक्स के लिए, लेंथ की जगह कितना छोटा सा एलिमेंट जो उसका डिस्टेंस है dx, dq कितना आ गया लैम्डा dx। देखो मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ाया हुआ, देखो यहाँ पे देखो मैंने तीनों के लिए निकलवाया हुआ है, जब dq निकालना हो लाइन चार्ज के लिए तो क्या लैम्डा dl यानी जितनी डिस्टेंस के लिए निकालना है, तो dx डिस्टेंस के लिए निकालना था तो उसका कितना हो जाएगा dq लैम्डा dx, अगर सरफेस के लिए हो तो सिग्मा उसका छोटा सा जो भी डिस्टेंस है डीएस। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू रख दे रही हूँ, लैम्डा
dx x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू बताओ अपनी कॉपियों में, जो तुम लिख रहे हो ना अपनी नोटबुक में लिख तो रहे होंगे। चलो तो अब मुझे बताओ cos थीटा की वैल्यू m r upon under root x square plus y। cos थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। डायग्राम में आओ वापस। अब आपके पास जो ये एंगल है p o, यहाँ पे o पॉइंट था देखो, o p, यहाँ पे ये जो dq कट किया है यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लो यानी b मान लो, तो o p b जो एंगल है इसमें cos थीटा देखो क्या होगा, बेस, बेस इज r एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस p b, तो क्या हो गया r बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू जो आई कितनी आई, के लैम्डा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर थ्री बाय टू एंड यहाँ पे आपका आर एज इट इज, ठीक है यही आई ना। हाँ ये आपकी वैल्यू आ गई ई एक्स। अब देखिए अब क्या करते हैं, cos थीटा हो गया। हाँ लिमिट मैम, लिमिट अब मैम ने cos थीटा गलत रख दिया शायद, एक सेकंड इसको थीटा में ही रहने दो, इसको चेंज मत करो वरना ना फिर लिमिट्स में दिक्कत आएगी। मैम एक डाउट है। एक सेकंड मैम एक डाउट। हाँ बोलो। रुको इसको ना मैम, जो x मैम जो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर था उसके ऊपर आपने 3 बाय 2 लगाया था मैम, वो पार्ट क्यों हुआ? मैंने रब कर दिया ये, अभी ये वाली टर्म भूल जाओ, यहाँ तक याद रखो बस इतना, ठीक है ये यहीं पे याद रखो। वापस आ जाओ। अब देखो ये ई एक्स है जो, इसको देखो थीटा की टर्म्स में करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे। ई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के लैम्डा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। मुझे अब यहाँ पे बताओ कौन कौन सी टर्म्स हैं जो वेरिएबल हैं, ये जो डायग्राम यहाँ पे देखो, एक तो x वेरिएबल है जो छोटा सा हमने dx कट किया है यानी छोटे छोटे छोटा करके पूरा लाइन चार्ज बनेगा, तो x इज वेरिएबल एंड दूसरा थीटा इज वेरिएबल, तो यू हैव वेरिएबल्स हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, हमें एक वेरिएबल ही चाहिए, तो एक वेरिएबल चाहिए तो क्या करते हैं, मुझे थीटा की टर्म्स में आंसर लाना है ना, तो क्या करो, हर बार हम थीटा चेंज करते थे, इस क्वेश्चन में हम लोग थीटा चेंज ना करके क्या कर रहे हैं, एक्स को चेंज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये ही ट्रायंगल है ओ पी बी, इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए, ये एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देखो कैसे निकालो, इस ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल एक्स इक्वल टू टेन आर थीटा, हम लोग क्या निकाले, टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस परपेंडिकुलर क्या है भाई, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड इज एक्स, ठीक है ये हो गया एक्स। बेस क्या है मेरा आर, तो क्या आ गया एक्स बाय आर, तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, तो x आ गया। अब देखो हमारे पास dx भी है, तो मैं क्या करूं, इस x का इंटीग्रेट वो डिफरेंशिएशन कर लूं, क्या आया x का डिफरेंशिएशन dx आया इक्वल्स टू r, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा secant square थीटा, थीटा का भी करोगे d थीटा। अब वैल्यूज रख दो ex में, k लैम्डा कांस्टेंट है, k लैम्डा बाहर निकाल लो, ठीक है क्या बचा देखो, dx की वैल्यू कितनी आई, r secant स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, ठीक है ये वैल्यू है। अब यहाँ पे k लैम्डा बाहर चल रहा है, लिमिट्स देखेंगे, लिमिट्स देखो थीटा की टर्म्स में आएगी, ये तो तुम्हें दिख रहा है क्योंकि सारी वैल्यूज किस में आ गई है, थीटा में आ गई है। रिजॉल्व करो, r secant स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा, इस सॉल्यूशन को करो, यहां से r स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक r से ये r कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया आपके पास k लैम्डा
ये आर बचा नीचे वाला, तो इसको बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये वाला थीटा वाला थीटा को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचा आपके पास कॉस थीटा डी थीटा। तो अब आपको चाहिए क्या, लिमिट्स चाहिए, है ना, कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लगाएं, लिमिट्स लगे थीटा की टर्म से। देखो यहाँ पे थीटा है, ये थीटा टू इज इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, दिस थीटा वन इज द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो लिमिट्स कहां से कहां लगाऊंगी, थीटा टू से लिमिट कहां से कहां लगाऊं, पी पॉइंट पे आपको ये घूम के जा, ये घूम के आ रहा है यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे घूम के जा रहा है, तो एक एंटी और एक क्लॉक वाइज, तो क्या करोगे, ये इसको लिखोगे माइनस थीटा टू, माइनस थीटा टू और ये थीटा वन, तो ये हो गई आपकी लिमिट। तो ई एक्स की वैल्यू हो गई ये, सिमिलरली इसी तरीके से आपकी किसकी वैल्यू हो जाएंगी, ई वाई की, क्या के लैम्डा बाय आर, कॉस की जगह कौन सा कॉम्पोनेंट आ जाता है बताओ, यहाँ पे ये सब तो अंदर वाला सेम रहता, साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया माइनस थीटा टू और ये हो गया थीटा वन। चलिए वैल्यू अब मुझे बताइए इनकी लिमिट्स रख के कितना आया ई एक्स कितना आया ई वाई। देखो के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये आई साइन थीटा वन, ठीक है। अब साइन ये टर्म हो जाएगी ऐसे आएगी कि माइनस साइन माइनस थीटा टू, तो साइन माइनस थीटा टू बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस साइन थीटा टू, ठीक है भाई। अब ये देखो ये कैसे बनेगा, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या होगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हुआ, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई, तो देखो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। चलो सॉल्व कर लिया होगा सबने, मैच करो, यही आ रहे हैं। यस मैम। मैम कॉस थीटा साइन थीटा में कैसे चेंज हो गया, इंटीग्रेशन तो रह रहा है ना अभी, देखो इसका इंटीग्रेशन तो लग ही रहा है अभी, तो हमने अंदर अंदर सिर्फ कैलकुलेशन करी है, फाइनल कट पिट के हमारे पास कॉस आया है, इंटीग्रेशन चल ही रहा है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन में चेंज हो गया। अब फिर साइन थीटा को क्या लिखोगे, लिमिट्स लगा दोगे, और लिमिट्स लगाओगे माइनस थीटा टू से थीटा वन, तो लिमिट्स लगाने के बाद ये वैल्यू आ गई, देखो ये है यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझो के लैम्डा बाय आर, ये कॉस थीटा ऐसे लिखा जाएगा साइन थीटा, यहाँ माइनस थीटा टू और ये थीटा वन, ठीक है। तो के लैम्डा बाय आर अपर लिमिट एज इट इज साइन थीटा वन, माइनस का साइन थीटा टू रखनी है, तो साइन थीटा टू किसमें है नेगेटिव में, तो साइन माइनस थीटा टू, तो ये माइनस है बाहर ले लोगे तो किसमें चेंज आ जाएगा, इस साइन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही ई वाई का कर लोगे, तो ई वाई का जब करोगे साइन थीटा का बनेगा कॉस थीटा माइनस में, तो ये वैल्यूज मिल जाएंगे। डन मैम। हाँ मैम, इससे पहले वाली स्लाइड में आपने ई वाई जीरो कब लिया था, ई वाई जीरो तब लिया है, ई वाई तब जीरो होगा जब आपके पास क्या होगा सिमेट्री बनेगी, ठीक है। सिमेट्री बनेगी तो देखो क्या होगा, खुद देखो एक और पेज ले लेते हैं, देखो सिमेट्री बनेगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो ये मेरी एक लाइन चार्ज है, ये बिल्कुल बराबर पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट पी, देखो यहाँ पे पॉइंट पी है, ये मैंने रेफरेंस लाइन खींच दी। अब देखो अगर यहाँ सिमेट्री होगी तो इसकी वजह से डी ई यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल है तो इस रेफरेंस लाइन को आगे खींच दो तो ये भी थीटा बनाएगा, तो ये क्या हुआ डी ई कॉस थीटा और इसका ये कंपोनेंट हुआ डी ई साइन थीटा। तो देखो अगर मैंने ये एक्स दूरी पे लिया है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ से भी एक्स दूरी पे होगा, एक कंपोनेंट यहाँ से भी एक्स दूरी पे होगा, अगर इसका अब आप क्या बनाओगे, एक एलिमेंट लोगे और उसकी वजह से फील्ड निकालोगे पी पे, देखो ये आई डी ई
ये भी अगर देखो ये एंगल रेफरेंस लाइन से थीटा बना रहा है तो रेफरेंस लाइन ये आगे है, ये यहाँ पे थीटा बनाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट आया, डीई कॉस थीटा, और डीई साइन थीटा इसकी वजह से यहाँ आएगा। देखो थीटा डीई साइन थीटा क्या कर गए, कैंसिल कर गए, ठीक है। अगर सिमिट सकता है कि एक्स दूरी पे, ओ से एक्स दूरी पे यहाँ ऊपर की तरफ क्या ना मिले, वो लाइन चार्ज एलिमेंट मिले ही ना, हो सकता है वो छोटी डिस्टेंस हो, है ना, सिमेट्री की वजह से ईवाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मान लो अब यहाँ पे मैं ये करूं कि ये लाइन चार्ज हो ही, ये क्या हो, ये सिर्फ इतना ही हो, मैम मतलब जो रेफरेंस लाइन है वो इस लीनियर चार्ज को इक्वली डिवाइड कर रही है ना। हाँ, यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन है वो इक्वली डिवाइड कर रही है। ओके मैम, ठीक है। तो अगर रेफरेंस लाइन क्या होगी, ये बनाया था ना, तो ठीक है, रेफरेंस लाइन क्या होगी, इक्वल डिवाइड करेगी ओपी से ऊपर वाले लेंथ को भी और ओपी से नीचे वाले लेंथ को भी। सपोज करो ये भी एल बाय टू और ये भी एल बाय टू, जब बराबर बराबर डिवाइड होगा तो ई वाई कॉम्पोनेंट समझ लेना, स्पेशल केस में देख लो, लिख लो ई वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्पेशल केस, अब पहला केस तो ये हो गया, अगर सिमिट्री होगी तो ई वाई कॉम्पोनेंट विल बी जीरो, will be zero if the symmetry exists. चलिए भाई, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ो एवरीवन। यस मैम, आगे बढ़ो। अब देखो केस सेकंड, समझो अगर मैं बोल देती हूँ कि जो मेरी ये लाइन चार्ज है ये क्या है, इनफाइनाइट है, ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रही है, ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है, क्या है, इनफाइनाइट है। अब मैं बोलूँ कि किसी पॉइंट पी पे निकालो क्या फील्ड लाइन, किसी पे फील्ड स्ट्रेंथ निकालो, तो देखो मेन तो कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो पॉइंट पी है इसके एंड पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, राइट, ये जो थीटा वन थीटा टू लिखे हैं ये पॉइंट पी वायर की एंड से कितना एंगल बना रहा है, वही तो एंगल होगा। अब देखो अगर ये वायर इनफाइनाइट हो गई और पी पॉइंट यहाँ पे है और वायर जा रही है ऊपर तक, तो जो ये पी पॉइंट जो एंगल इस पे ड्रॉप करेगा, देखो अभी तो मान लो ये वायर इतनी सी है तो ये एंगल ऐसे ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, अब ये वायर इतनी बड़ी हो गई तो ये एंगल अब इतना बड़ा हो, ठीक है, अभी वायर और बड़ी हो गई तो ये एंगल देखो और इतना हो गया, अभी देखो पहले इतना था अब ये एंगल इतना होता जा रहा है, अभी वायर और बड़ी हो गई तो अभी देखो एंगल इतना हो गया, तो यानी ये एंगल कितना बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स 90 ना, ये एंगल कितना बढ़ता जाएगा 90। अगर दोनों इन्फिनिटी हो जाएंगे, जो ये एंगल यहाँ पे ड्रॉप करेगा बच्चों, ये जो एंगल ड्रॉप होंगे यहाँ पे ये कितने बनेंगे, थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू 4 इनफाइनाइट, देखो 4 इनफाइनाइट वायर, भाई वायर कैसी है, इनफाइनाइट, थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, क्या होंगे 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे ये पॉइंट। देखो ये वाला ना, ये वाला टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में सेम टू सेम टॉपिक आएगा, मैं वहां पे डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, एक दो क्वेश्चन करा के हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेम टू सेम यही है, सेम कैलकुलेशन है, सेम एवरीथिंग, न्यूमेरिकल भी सेम सॉल्व होंगे, तो इसीलिए इस टॉपिक को हाईलाइट करके लिख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड में भी यहीं से पढ़ना है, ठीक है, थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू हाईलाइट करके लिख लो कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहीं से करेंगे। तो अब ई एक्स की वैल्यू कितनी आई, ए लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, कितना आ गया भाई, ए लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस 1 वाई, तो देखो तुम्हें पता ही है इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, तो सिमेट्री तो वैसे ही बन जाएगी, तो जीरो आना चाहिए, पर कैलकुलेशन से भी देख लो आ रहा है कि नहीं, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, तो थीटा टू
कितना है 90 पे cos कितना हो जाने वाला है 0 और बाय कॉन्सेप्ट भी 0 क्योंकि इनफाइनाइट रहेंगी तो कैसी ऑब्वियसली सिमेट्री बनेगी. ठीक है केस 3 तो केस 2 में ये अपनी कॉपी में लिख लो ex की वैल्यू आएगी सिर्फ 2k लैम्डा बाय r i कैप में और ey की वैल्यू कितनी आ रही है 0. ठीक है केस 3 अब मान लेते हैं कैसी वायर है सेमी इनफाइनाइट. मैम केस 2 में सेकंड स्टेप है दोबारा से समझा दो. क्या कह रही हो मैम केस 2 में सेकंड स्टेप है ex इक्वल्स टू वाला एक बार दोबारा समझा दो. देखो थीटा पहले मुझे ये बताओ जो हमने यहाँ पे ये थीटा 1 थीटा 2 लिखे हैं ये कौन से एंगल्स हैं अभी बताया ना तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि थीटा 1 कौन सा एंगल है. थीटा 1 वो एंगल है जो पी पॉइंट आपकी वायर के एंड पे ड्रॉप कर रहा है ना पी पॉइंट वायर की एंड पे ड्रॉप कर रहा है वायर भाई इतनी पॉइंट पी तो यहाँ पे है देखो तुम्हारी आंखों के जस्ट सामने है पॉइंट पी. ठीक है और तुम्हारी जो वायर है वो समझ लो कि तुम्हारे घर के जो ग्राउंड से लेके तुम्हारे रूफ तक टच कर रही है और पॉइंट पी तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम्हें पॉइंट पी से लेके तुम्हारी जो वायर की रूफ वाली जो वायर है वहां के पॉइंट पे टच करना है तो तुम मुझे बताओ ये एंगल बढ़ता नहीं चला जाएगा इनफाइनाइट के लिए. तो ये एंगल ऐसा लगेगा हाँ तो ये एंगल ऐसा लगेगा कि ये एंगल कितना बढ़ता जाके मेरे को 90 ही लगेगा. तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल तो इसीलिए मैंने बोला कि थीटा 1 और थीटा 2 90 के बराबर हो जाएंगे. ठीक है ऐसे है. अब देखो सेमी इनफाइनाइट वायर देखो सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब कि एक तरफ से तो इनफाइनाइट है बट दूसरे एंड पे इनफाइनाइट नहीं है तो दूसरा एंड बच्चों का क्या कर लेते हैं मैंने यहीं पे ले लिया तो पॉइंट सी पे. ठीक है वायर का दूसरा एंड देखो मेन मकसद क्या है मकसद क्या है पॉइंट पी को वायर के दोनों एंड से क्या करना है पॉइंट पी को वायर के दोनों एंड से मुझे जोड़ने का मकसद है. अब देखो अगर वायर ये है ऊपर की तरफ इनफाइनाइट लास्ट पॉइंट वायर का ये है. ठीक है तो वायर का एक पॉइंट तो तुम यहां से जोड़ोगे पी पे ये वाला एंगल इनफाइनाइट की तरफ कितना बनाएगा भाई 90 इनफाइनाइट के लिए 90 तो बनाएगा इनफाइनाइट पे. Yes, ma'am. अब देखो जो पॉइंट बी वाला जो थीटा 2 था वो तो वायर का यही लास्ट पॉइंट है वायर के लास्ट पॉइंट पे जब मैंने पी पे जब एंगल ड्रॉप करेगा वो कितना करेगा 0 degree. पॉइंट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रखना है ना कॉन्सेप्ट नहीं हिला सकते वायर के एंड्स को पॉइंट पी पे कनेक्ट करना है यही कॉन्सेप्ट है. तो बस अब साइन हाँ बोलो ये जो पी पॉइंट है ये एंड से थोड़ा ऊपर भी तो हो सकता है कुछ एंगल बनाकर अगर इसको आप बोलते हो कि थोड़ा सा नीचे ड्रॉप कर दूं यहाँ पे. यस मैम वो वाला भी तो केस हो सकता है जनरल केस हो गया ना फिर तो केस ही जनरल हो गया फिर तो थीटा 1 थीटा 2 आ ही जाएंगे चाहे वो कितना ही छोटा हो फिर वो जनरल केस हो जाएगा. मैं तुम्हें स्पेशल केस है ना तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब यही है कि एक वायर तो पूरी इनफाइनाइट होगी दूसरा पॉइंट जस्ट उसके बराबर में यानी एंगल 0. ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब देखो अब ex की वैल्यू कितनी होगी बताओ वैल्यूज रखो ये sin theta 1 sin theta 2 theta 1 90 डिग्री है तो के लैम्डा बाय लैम्डा 1 i कैप भाई ey बताओ sin k लैम्डा बाय r तो अब आपके पास देखो सेमी इनफाइनाइट वायर में दोनों की वैल्यूज क्या है बराबर आई है ex की भी और ey की भी. e नेट कैसे निकालोगे ex plus ey root of e1 square under root ex square e1 root plus तो कितना आ जाएगा root 2 k lambda by r. ठीक है 2 k lambda by r ये किसका है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर. ठीक है भाई अब हमने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट सारे अब बारी आती है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की न्यूमेरिकल्स देखते हैं किसने कितना पढ़ा है. चलिए
क्वेश्चन को सॉल्व करो, ए पॉइंट पे बताओ, बी पे बताओ, फिर सी पे, फिर डी पे। पहले ए पॉइंट के लिए निकालो, देखो लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट है, दिख रहा है एकदम, जेड एक्सिस में रखा हुआ, ये जेड एक्सिस में रखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जेड एक्सिस में रखा हुआ है तुम्हारा आयत। तुम्हें ए पॉइंट पे निकालनी है फील्ड, मैम नेट फील्ड निकालनी है ना, फील्ड निकालनी है पॉइंट ए पे। वायर कैसी है बताओ, इनफाइनाइट के लिए सिर्फ कौन सा कंपोनेंट निकलता है, ईएक्स। अपने नोट्स में देखो, इनफाइनाइट के लिए सिर्फ ईएक्स निकलेगा। देखो ये कॉस वाला कौन है, ये कॉस वाला किसने कहा ये कॉस, मैंने। देखो ये ईएक्स कंपोनेंट कई बार चेंज भी हो जाते हैं, तो ये इसका ईएक्स, ईएक्स में कई बार साइन भी आएगा, ठीक है, वो वेक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो, तो ये मत बोलो कि कॉस वाला, कॉस वाला कई बार तुम देखोगे वाई में भी बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे नहीं, बोलो ई एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, तो ई एक्स कॉम्पोनेंट ही आएगा क्योंकि फाइनाइट वायर है, ई वाई तो जीरो, तो ई वाई तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ई एक्स का फॉर्मूला क्या था इनफाइनाइट के लिए, आर चाहिए आपको, ए पॉइंट के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री है ना, टू बाई के लैम्डा, तो बस टू के लैम्डा बाई। बी पॉइंट के लिए देखो परपेंडिकुलर है भाई, एकदम परपेंडिकुलर ही है, जेड पे है, वाई पॉइंट परपेंडिक, सारे कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो पता ही है, एक्स जेड वाई सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमें ये याद रखो, एक कॉन्सेप्ट मेजर कॉन्सेप्ट जो है, ये जो लाइन जो तुमने रेफरेंस लाइन ली है, दिस शुड ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, दिस शुड ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है, टू के लैम्डा बाय आर, ये भी कितना हो गया, टू लैम्डा बाय डिस्टेंस कितनी है, फोर। माइक बंद कर दो भाई, माइक बंद करो, डिस्टर्ब मत करो, बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी वाला देखो भाई, अब सी पॉइंट है ये, तो यहाँ पे देखो एक्स भी है वाई भी है, तो क्या निकालना पड़ेगा भाई, पोजीशन वेक्टर, कैसे, थ्री का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 25, यानी 5, तो कितना आ गया 2k लैम्डा बाय 5, ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो ये तो हलवा सवाल था, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं, इसको करो, मैम डी रह गया, डी नहीं है, देखो डी पे भी सेम है, आ गया डी, डी पे तीनों है, तो बस डी पे के लिए क्या करोगे, तीनों का निकाल दोगे, एक्स वाई जेड तीनों एक्स ही है, तो उसका आर वेक्टर ले लोगे, ठीक है, रिजल्टेंट आर वेक्टर करूं। मैंने पोजीशन वेक्टर वाला समझ नहीं आया, पोजीशन वेक्टर वाला समझ क्यों नहीं आया, देखो सी पॉइंट है, जो सी पॉइंट पे आपके पास 3 भी है और 4 भी है, यानी कहीं बीच में पॉइंट है, किस किस के बीच में, एक्स और जेड एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस में है ना, एक्स में है और वाई एक्सिस में, अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते तुम, 3i कैप प्लस 4j कैप, देखो अगर पूरा ध्यान से लिखवाऊं तुम्हें, से लिखो लैम्डा बाय आर, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, के लैम्डा बाय आर मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है इसका, 3i कैप प्लस 4j कैप बाय आर का मैग्नीट्यूड, है ना, ये हो जाता, तो बस अब क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखो के लैम्डा, इसको ऐसे रहने दो, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये इसका r वेक्टर मॉड, और ये k लैम्डा बाय इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, जब इस r वेक्टर का कितना आता, 3 3 9 स्क्वायर 4 4 16, कितना आ जाता 5, तो ये आई है ec की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से पूरा सॉल्व करना चाहो, r वेक्टर यहाँ पे ऐसे r का ये लिख देना, यूनिट वेक्टर,
ये वाला सॉल्व करो। चलो इसमें थोड़ी सी और गड़बड़ करते हैं, रुको मैं कह रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने आर ले लिया, इन्होंने ये वाले डिस्टेंस लिए, यहाँ पे डी गिवन है, ठीक है चलो। एंड ई एक्स एंड ई वाई, कैसी वायर है? सेमी इनफाइनाइट? यस मैम। सेमी इनफाइनाइट के लिए ई एक्स भी निकलेगा और ई वाई भी निकलेगा, दोनों निकलेंगे। फॉर्मूला क्या है? दोनों तुम्हें पता है, के लैम्डा बाय थीटा वगैरह का चक्कर है। पहले तो थीटा वन और थीटा टू बताओ कितना होगा। पी पॉइंट को दोनों वायर की एंड से कनेक्ट करो, एक तो ये वायर का एंड ए कनेक्टेड है, दूसरा ये रहा। थीटा वन ऊपर वाला एंगल है ना, ऊपर वाला एंगल कितना है भाई? थीटा वन 90 डिग्री, जब भी इंफिनिटी से कनेक्ट करो एंगल 90 डिग्री कर दो। थीटा टू बताओ, 90 माइनस 0 डिग्री माइनस 37 डिग्री। देखो ये एंगल गिवन है कितना, 37 डिग्री। 37 कहाँ से? रेफरेंस लाइन से और यहाँ तक। हम मैंने जब रेफरेंस पॉइंट लिया था वायर पे, जब थीटा निकाले की वैल्यूज छोटा बना के देखो, जो थीटा टू था और जो थीटा वन था वो क्या था? वो एंगल थे आपके रेफरेंस लाइन से, और वो रेफरेंस लाइन होनी चाहिए परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे वो रेफरेंस लाइन कौन सी है? एपी, ठीक है। तो ये थीटा वन तो तुम्हें मिल गया भाई, कितना यहाँ से लेके ये एंगल पूरा, ये पूरा एंगल कितना जाएगा आपका? 90 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। जो थीटा टू था वो ओपी से कौन सा एंगल हो रहा है? ओपी रेफरेंस लाइन के बिलो ड्रॉ हो रहा है। क्या यहाँ पे कोई एंगल आप रेफरेंस लाइन के बिलो ड्रॉ हो रहा है? बट आपको एंगल तो दिया हुआ है, अगर ये एंगल नहीं दिया हुआ था तो हमारा ये वाला जो हमने सेमी इनफाइनाइट में किया है कि बी पॉइंट पी पे ही लाई कर रहा है और हमारा थीटा हो गया 0 डिग्री, थीटा टू। बट यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट में तो मैंने कहा कि रेफरेंस लाइन के बिलो होना चाहिए, तो अब यहाँ पे रेफरेंस लाइन के बिलो कैसे करोगे? एंटी क्लॉक वाइज चलो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बीच वाला एंगल निकालो। कैसे निकालोगे? थीटा टू 360 में से 37 डिग्री माइनस करो, 37 माइनस करो। कहाँ है? नीचे से यहाँ से चले हो पी से इस कौन सी लाइन तक? इस वाली लाइन तक। तो वही किया है, पी से चल के वापस कहाँ गए? इस पॉइंट पे आ गए। तो तुम्हें कौन सा एंगल मिल गया? ये वाला एंगल, ये यहाँ रेफरेंस लाइन से इस एंगल। तो 360 माइनस 37 डिग्री, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था समझने के लिए, ठीक है। तो थीटा वन भी आ गया और थीटा टू भी आ गया। अब आप फॉर्मूले में रख के दोनों चीज निकाल सकते हो, ई एक्स भी निकाल सकते हो और ई वाई भी। दिस इज नॉट द केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट, नॉट द केस, ये सेमी इनफाइनाइट का केस नहीं है। -37 हम कब लिख सकते थे? जब ये ऐसा होता, इस तरीके से ये पी पॉइंट, मतलब ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता ऊपर की तरफ, तब हम लिख सकते थे -37, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर वन क्लियर, किस तरीके से लेना है। अच्छा यहाँ पे मुझे पूरा सॉल्व करके बताओ, ई एक्स की वैल्यू बताओ। चलो ई एक्स जब लिखोगे
लैम्डा बाय आर 360 माइनस 37 352 कैसा आया माइनस करके क्या आएगा मैम 323 आएगा ना यार ये बोल रही हूँ मैं तो अभी चेक नहीं किया बट कॉन्सेप्ट यही है कॉन्सेप्ट समझ तो कॉस क्या था एएक्स की वैल्यू सो 323 आएगा ए लैम्डा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू बस मुझे आर की वैल्यू बताओ आर क्या होगा व्हाट इज आर मैम फोर आर की वैल्यू बताओ बस ऐसे मत करो मैंने बताया परपेंडिकुलर मैम फोर फोर कैसे काउंट कर दिया 37 डिग्री है ना तो मैम cos 37 लगा दिया मैंने तो 4 डिग्री सही बार है हां तो cos 37 कितना हो गया cos 37 होता मैम 4/5 को चाहिए हां देखो तुम्हें चाहिए ये परपेंडिकुलर मैंने क्या बोला है हमेशा रेफरेंस लाइन ये r जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस कौन सा है भाई r डिस्टेंस ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेफरेंस लाइन हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी तो यहां पे परपेंडिकुलर तो वो देखो क्या होगा डी का कौन सा कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट तो क्या लिखोगे भाई डी कॉस 37 डिग्री ये आएगा ठीक है कॉस 37 कितना होता है फोर ये आया है कौन कौन कह रहा था ओके मैम समझ गया तो D क्या है D हमें क्या लेना है AP which is the perpendicular distance हमेशा याद रखो ये जो तिरछी लाइन है ये मिलेंगी ये कभी नहीं लेनी है हमेशा हमें perpendicular is the reference line अगर ये तिरछी लाइन गिवन है तो उसका कंपोनेंट ले लो इन द डायरेक्शन ऑफ AP तो क्या होगा इसका कंपोनेंट A B cos 37 तो R की वैल्यू क्या आई D 4/5 तो यहां पे द K lambda D 4/5 यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस साइन 323 डिग्री होगी अगर क्लोज अप्रोक्सीमेशन निकालो तो अभी एंगल सॉल्व कैसे करेंगे 323 देखो इसका आंसर देखना पड़ेगा कि है या नहीं है ना कई बार क्या करते हैं ये आंसर नहीं देते हैं बस ये बता देते हैं कि ऐसे हो जाएगा मैं चेक कर लेते हैं या नहीं मैम ये थीटा 2 कैसे है एक बार ही बता दो मैम 323 अच्छा चलो जिसको समझ में आ गया वो एक्सप्लेन करो भाई 323 कैसे आया मैम 360 में से 37 माइनस करो एक सेकंड में आंसर मैच कर लूं फिर तुम्हारे तुम लोगों के पास आ जाए एक मिनट जाओ हाँ ये किया हुआ है इन्होंने भी cos थीटा 2 निकाला है 360 माइनस 37 करेक्ट यही किया है हाँ अब किसको क्या परेशानी है मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ मैम ये थीटा 2 कैसे लिया आपने हाँ ये बता रही हूँ ये मैं नहीं बताऊंगी ये जिसको समझ आ गया है वो बताएगा एक सेकंड हैंड कौन कौन किसने हैंड रेस किया अंशिका तो पूछने वाली है जिसे आया वो एक बार हैंड रेस करो और अंशिका को समझाओ मैं भी दोबारा फिर वो पीडीएफ फाइल ओपन करूंगी इसको आ गया मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो गई मैम दोबारा बोल रहा हूं क्या पूछ रहा मैम एक मेरा डाउट है बोल रही हूं कि जिसको ये डाउट है उसको कौन समझाएगा मेरे अलावा दीपांशी समझाएगी ठीक है दीपांशी समझाओ कैसे आया थीटा 2
देखो दोबारा समझ लो, जिसको नहीं आया है मैं एक बार ये यहाँ से थोड़ा, अब तो ये रब भी नहीं होगा मैंने। देखो कॉन्सेप्ट क्या था, थीटा टू जो तुमने लिया है वो नेगेटिव में, एंड वो कौन सा एंगल लिया है भाई, वो था एंटी क्लॉक वाइज एंगल। ये 37 तुम्हें जो गिवन है ये क्लॉक वाइज एंगल गिवन है, तो तुम्हें एंटी क्लॉक वाइज एंगल चाहिए। कहां से? एपी वाला, इस एपी से एंटी क्लॉक वाइज एंगल चाहिए। तो ये एंटी क्लॉक वाइज एंगल कितना होगा? कितना होगा? 37। एंटी क्लॉक वाइज में तो यही एंगल आएगा ना कि एपी से चले और वापिस आप यहाँ आ गए, और ये 37 को हटा दो, 360 में से 37 घटा दिया तो 323 आ गया। तो यही कौन सा एंगल है तुम्हारा? थीटा। बोलो मैम, मैं ये बोल रहा हूँ बोलो। हाँ नितेश, तुमसे ही कह रही हूँ बोलो। मैम मतलब ये सेमी इनफिनिट का केस कैसे नहीं है, मतलब समझ नहीं आया। सेमी इनफिनिट नहीं समझ आया? एक काम करो, चैट बॉक्स में सेमी इनफिनिट का केस कैसे नहीं है, मतलब सेमी इनफिनिट का केस कैसे नहीं है, वो ये सेमी इनफिनिट का केस नहीं है। सेमी इनफिनिट का केस ये नहीं होगा। सेमी इनफिनिट का केस अगर लगना होता तो ये 37 डिग्री क्यों देते? ये 37 डिग्री देते ही नहीं, ठीक है? 37 डिग्री नहीं देते तुम्हें। देखो एक क्वेश्चन समझो, देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे पेज पे समझाती हूँ मुझे क्या समझ में आ रहा है, इन्होंने क्या किया है। अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ, देखो इन्होंने क्या करना चाहा, सब बच्चे पे ध्यान से देखो। देखो मुझे भी नहीं पता इन्होंने ये है, बस मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में, तुम्हें कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने खेला है। यहाँ पे प्लस इंफिनिटी है, ठीक है, और ये वायर का एंड है, समझो ये क्या है, वायर का एंड। अब यहाँ पे अगर ये पॉइंट पी तुम्हें दे दे, दिस विल बी अ केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर, बट इन्होंने पॉइंट पी यहाँ ना देके तुम्हें कहाँ दिया, यहाँ पे दे दिया तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पी को देखो ऐसे कनेक्ट किया, क्यों? तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। और फिर इसको यहाँ पे इन्होंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, यानी इसका मतलब क्या है, इन्होंने वायर का जो एंड है वो इस पॉइंट पे था, यहाँ पे डायग्राम देखो, अभी दोबारा उस डायग्राम पे जाएंगे। जो मुझे समझ में आ रहा है, डायग्राम का एंड यहाँ पे था, मतलब इस वायर का एंड इस पॉइंट पे था। इन्होंने यहाँ पे तुम्हें पॉइंट ना देके, क्योंकि वो तो तुम्हें पता है बच्चे कर देंगे सेमी इनफाइनाइट का केस लगा के, इन्होंने क्या किया, इस वायर को किसी पॉइंट पी पे, यानी कि मुझे क्या, देखो सुनो, मुझे तो वायर की वजह से फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे निकालना है ना, बट मैंने तुम्हें सिखाया कहाँ पे है, इस सामने वाले पॉइंट पे। तुम्हें कॉन्सेप्ट वही करने है, चाहे किसी भी पॉइंट पे दे। अब देखो इसने तुम्हें ये पॉइंट पी दे दिया, सुनो एक सेकेंड, देखो अब मैं तुमसे ही पूछूंगी, तुम खुद करोगे। देखो एवरीवन बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सेक्शन दूसरा तुम्हारा जो ग्रुप वाला है ना, उन्हें भी नहीं समझाया मैंने ऐसे, सुनो यहाँ पे सी क्या करते हैं। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आता है ये, दिस इज द सेमी इनफाइनाइट, दिस इज द वायर, यहाँ से इनफाइनाइट है, बस ये पूरी वायर दे दी है तुम्हें, ठीक है, दे दिया है पी। अब बोला है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मैंने तुम्हें क्या समझाया है जब जनरल केस करा था, पहले तो क्या करो एंड पॉइंट्स को मिलाओ, तो एंड पॉइंट्स मिलाए, फिर मैंने क्या बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, तो
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट वायर है, अगर थोड़ा सा और अगर तुम यहाँ से 19-20 अगर बढ़ा दोगे तो आई डोंट थिंक कि इनफाइनाइट में कुछ फर्क आएगा, राइट? तो यहाँ पे तुमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली, ये डिस्टेंस तुम्हें ऑलरेडी गिवन है डी, जितना वो एंगल तुम्हें यहाँ पे लेके आया है, जो ये तुमने ये जो ये वाली लेंथ है सपोज ए डैश बी डैश, जितना तुम इस वायर के नीचे आए हो इसका तुम्हें एंगल दे दिया 37 डिग्री। अब समझ में आया क्या किया है? जनरल पॉइंट पी पे निकालना है ना, और तुम्हें लगाना क्या है? वही तरीका जो मैंने बताया है। क्या पहला कि एंड पॉइंट्स कनेक्ट करोगे, वही किया है, देखो एंड पॉइंट्स कनेक्ट करे हैं वायर के। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे पी डैश पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कनेक्ट किया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है थीटा की, एंगल की। पी पॉइंट का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट होगा विच इज थीटा वन, ठीक है। अब देखो आपका एंड टू तो ये है, दिस इज योर एंड सेकंड, तो यहाँ से पी पॉइंट से हमेशा मैंने क्या बताया, जो रेफरेंस लाइन थी उससे हमें क्या एंगल लेना था, उससे बिलो वाला, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल तो ठीक है कि मुझे दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता हुआ मिल रहा है थीटा टू एंगल, बट ये क्लॉक वाइज में है बच्चों, तो ये तो मेरा केस गलत हो गया ना, जो आपका स्टडी करते आई हूँ उसके लिए अब क्या करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज में जाके मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एंगल काउंट कर दिया, तो मुझे कौन सा एंगल मिल गया, ये वाला एंगल तो मिल गया, 360 में से 37 कट कर दिया, तो ये मेरा आप देखो पी से घूम के तुम इसी लाइन पे आ गए, ये वाली जो थीटा टू का ये दूसरा पॉइंट ही तो कनेक्टेड है यहाँ पे वायर का, तो वायर का दूसरा पॉइंट कनेक्टेड होने को ही थीटा टू बोला है, और वो एंटी क्लॉक वाइज भी, तो यहाँ से घूम के तुम यहाँ आ गए, तो इसलिए क्या किया है 360 में से 37 माइनस किया है। बताओ भाई खत्म। मैम मतलब हमें एंगल जो है वो रेफरेंस लाइन से लेना जो परपेंडिकुलर होती है। एंगल हमेशा रेफरेंस लाइन से ही लेना है, हमेशा पॉइंट एंड जो कनेक्ट करने हैं वो भी पॉइंट पी पे, दैट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही करने हैं, ठीक है? तो यही तो केस समझा रही हूं जब से, एक मिनट दो, मेरा चार्जिंग खत्म हो गया लैपटॉप में, बस चार्ज लगा, एक सेकेंड। हाँ जी डन, अब तो कोई परेशानी नहीं है। एक बार डायग्राम दिखा दो क्या मैम? देखो देखो इन्होंने ये डैश डैश करके बढ़ाया है, ठीक है, पॉइंट पी को कर तो दिया उन्होंने वायर के दूसरे एंड पे कनेक्ट, बट उससे हमारा काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसीलिए हम लोगों ने ये किया है, ठीक है। मैम पीडीएफ के साथ इसका फाइनल आंसर भी भेज देना। इसका फाइनल आंसर नहीं है गिवन, 323 डिग्री की आप वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से और सॉल्व कर लो। 360 माइनस 37 कर सकते हैं ना? हाँ, अब वैसे भी 360 माइनस 37 देखो कितना होगा, वैल्यूज तो चेंज भाई देखो किस पे होती है, मैथ वाले सर माइनस ऑफ साइन 37 हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 37, हाँ माइनस का साइन 37 हो जाएगा, राइट करेक्ट। देखो साइन 360 माइनस 37 कितना आ जाएगा, साइन चेंज तो होगा नहीं, साइन 37, बट क्वाड्रेंट कौन सा है ये 0, 90, 180 और 360। 360 में से कुछ माइनस करोगे यानी दिस इज द सॉरी ये क्या कर दिया, ये तो 270 होगा और यहाँ पे 360 होगा, 360 से कुछ माइनस किया यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो यू विल कनेक्ट साइन हियर, तो द आंसर इज माइनस साइन 37 डिग्री। कितना है साइन 37 माइनस 1/5 माइनस 3/5, तो ये आंसर आ गया साइन 325 का, वेरी गुड। मैम हम ऐसे फाइनल डायरेक्ट माइनस 37 भी तो ले सकते थे मैम, क्योंकि ओवरऑल करके मैम माइनस 37 ही आ रहा है आंसर तो डिग्री में। मैम ऐसे अगर कॉस मिलेंगे तो कॉस 37 आ जाएगा y y एक्सिस में,
लग रहे फिर निकालेंगे जब। अच्छा अगर तुम कह रहे हो अगर -37 अगर इस डायरेक्शन में -37 ले लूं या फिर एंगल को -37 ले लेते थीटा 2 को, मैम वो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। अब वो भी हो जाएगा क्योंकि माइनस तो तुम्हें हमेशा 360 में से ही करना है, पर ये देखो ये कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं है, ये इसलिए ठीक है क्योंकि मैथमेटिक्स काम कर रही है, क्योंकि माइनस तुम्हें 360 से ही करना है, ठीक है ये बात है। तो 360 से ये भी कर लेना बच्चों, ये भी कर सकते हो जो भी एंगल हो, अगर तुम्हें लगे 360 से माइनस करना है तो उसको नेगेटिव में ले लो, नेगेटिव साइन 37, ठीक है। अब तो हो गया इसका सॉल्यूशन, चलो आगे बढ़ो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को, इससे टफ मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा। चलो इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर दो। मुझे पहले इसमें देखो चार है लीनियर चार्ज वो लेंथ और चारों कनेक्टेड है, बस मुझे पहली वाली के लिए बता दो और चौथी वाली के लिए बता दो, पहली और चौथी वाली के लिए। फर्स्ट चलो चारों के लिए निकाल दो, चारों के लिए निकालो क्योंकि मुझे लग रहा है तुम लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट में ज्यादा इशू है, चारों के लिए निकालो। पहले मुझे ये बताओ ई वाई निकलेगा? यस मैम। नो मैम ई वाई नहीं निकलेगा, सेंटर में है तो मैथमेटिकली नहीं निकलेगा। देखो मैम सेंटर पे निकालना है ना, तो सेंटर पे तो ये पॉइंट जो तुम लोग है ये जो रेफरेंस पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आ गया? सेंटर पे आ गया, तो ऑलरेडी ये तुम्हारी क्या होंगी? इक्वल डिवाइड हो जाएंगी, लाइंस सिमेट्री बन जाएगी, तो सिमेट्री की वजह से ई वाई हर लाइन चार्जेस के लिए जीरो हो जाने वाला है, तो ई वाई नहीं लेंगे, जिन्होंने कहा है लेंगे तो नहीं लेंगे। ओके मैम, क्योंकि देखो बीचों बीच में है ना, सेंटर पे निकालना है, बीचों बीच में कट करेगा तो बराबर की लाइन कटेंगे, तो देखो ई वाई क्या होने वाली है? जीरो। चलो अब ई वाई जीरो हो गई सभी के लिए, तो लैम्डा की वजह से ई एक्स निकालो, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कितना आया? के लैम्डा एल देखो कितनी हो जाएगी, ये वाली आर एल बाय 2, तो एल बाय 2 साइन थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू बताओ मैम? 45 डिग्री। क्या हो जाएगी? 45 डिग्री, क्योंकि देखो ये भी 45 ये 90 तो ये कितना बचा आपका 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2, तो कितना आया 2√2 के लैम्डा बाय एल, कौन सा डायरेक्शन लगाऊं? आई कैप। चलिए अब मुझे 2 लैम्डा के लिए बताइए, 2 लैम्डा मैम 4√2 के लैम्डा बाय एल, और डायरेक्शन मैम नेगेटिव एक्सिस माइनस आई कैप। वेरी गुड, यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएंगी? यहाँ पे देखो 2 लैम्डा के लिए जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव आई आएगी, देखो मैथमेटिकली तो तुम कर लोगे, पता चल गया थीटा सभी के लिए सेम रहने वाला है। देखो अब ये 2 लैम्डा कैसे है, इस तरीके से है, यहाँ पे बीच में एंगल ड्रॉप है, ठीक है। अब देखो किसी भी पॉइंट के लिए क्या कर लो, वो निकाल लो कॉम्पोनेंट, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि cos ex कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो मान लो मैंने इस पॉइंट से पॉइंट P पे ये सेंटर वाला जो है, सॉरी ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे DE निकाले, ठीक है, इस पॉइंट DX के लिए सपोज करो। अच्छा भाई रेफरेंस लाइन से एंगल होगा थीटा, तो ये डी ना इससे बाहर जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया, अपने नोटबुक में ये डीई वाला एंगल बना, ये डी एक्स की वजह से वो निकालो थीटा, सभी लोग एवरीवन, कोई किसी के हाथ नहीं रुकने चाहिए फिजिक्स की क्लास में। देखो ये डी एक्स वाला एंगल ये पॉइंट पी से इस तरीके से कनेक्ट करता हुआ चला गया, दिस इज डीई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल है, तो रेफरेंस लाइन को आगे बढ़ाओ, मतलब ये स्ट्रेट ये सीधा जाएगा इस तरीके से,
मेरे पेन से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तुम्हारे से नहीं होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। अब देखो ये एंगल थीटा हो गया, तो दिस इज डीई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ चला गया, उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो देखो डीई कॉस थीटा कहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस में, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए टू लैम्बडा की वजह से जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आई। ठीक है, ऐसे हाँ नेगेटिव आई, जे नहीं आई आएगा। यस मैम। ये जे वाले कौन है भाई, जे में तो जाएगा ही नहीं ना, वाई तो जीरो है, जे में तो जाना ही नहीं है, जे में तो जाएगा ही नहीं। अब बताओ भाई फोर लैम्डा के लिए बताओ। फोर मैम एट रूट टू जे लैम्डा बाय एल पॉजिटिव जे जे गैप। डायरेक्शन बताओ एल के लैम्डा बाय मैम डायरेक्शन बताओ जे गैप जे माइनस जे जे गैप जे गैप मैम माइनस। ये के कैप कौन है भाई, के कैप कौन है ये, हम जे बोल रहे हैं, किसी के भी बोला है। दो ही डायरेक्शन होंगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में अब बताओ के कैप। हाँ तो ये फोर लैम्डा है, इसके लिए देखो यहाँ पे निकालोगे पेन लिख के, इसके लिए यहाँ पे निकालोगे देखो। ठीक है, यहाँ पे ये बीच में ऐसे करोगे, इसका रेफरेंस पॉइंट किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट की वजह से निकाल लो यहाँ पे डी। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से एंगल थीटा ये है, रेफरेंस पॉइंट को ये बढ़ा दो आगे, तो ये वाला एंगल भी रेफरेंस पॉइंट से क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हो गया डीई कॉस थीटा। तो किधर आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव या नेगेटिव में, पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर लैम्डा की वजह से जो जे कैप आएगा, दिस इज पॉजिटिव जे कैप। तो एक सेकंड में तुम ड्रॉ भी कर सकते हो, कंफ्यूजन हो रही है ड्रॉ कर लो, कंफ्यूजन हो रही है तो ड्रॉ इट, नो प्रॉब्लम। अब ऐसे ही देखो ऊपर है हमारे पास माइनस थ्री लैम्डा, तो माइनस थ्री लैम्डा का किधर जाएगा, माइनस सिक्स टू के लैम्डा माइनस जे कैप। तुमने एक का निकाल लिया तो तुम समझ जाओगे उसके जस्ट अपोजिट वाला कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट बनाएगा। ये प्लस जे में बना रहा है, थ्री लैम्डा वाला माइनस जे में बना देगा, माइनस जे कैप। मैम बट ये अट्रैक्टिव होगी ना, मैम अट्रैक्टिव होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है सभी। ठीक है, देखो इसमें डी कॉस थीटा की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं मैं सेंटर पे, यहाँ देखो तो वो तो मुझे पता ही नहीं, वो तो तुम यहाँ पे बनाओगे। देखो ये है सेंटर, देखो ई लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इधर, ई लैम्डा, टू लैम्डा की वजह से आई है इधर, ई टू लैम्डा। अब यहाँ पे देखो किधर आएगी, डायरेक्शन बता रही हूँ, थ्री लैम्डा की वजह से कहाँ पे आई है भाई, यहाँ पे ई थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा की वजह से ऊपर आई है ये ई फोर लैम्डा। अब देखो बड़ी कौन कौन सी वैल्यू है, ऑब्वियसली टू लैम्डा वाली, तो यहाँ इसका जो नेट आएगा एक्स एक्सिस का वो आया इधर की तरफ टू लैम्डा की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है ज्यादा, किसकी टू लैम्डा वाला कंपोनेंट की वैल्यू जो आई होगी मैग्नीट्यूड ज्यादा आया होगा, देख लो अपनी कॉपी में। और फोर लैम्डा थ्री लैम्डा में से किसका कंपोनेंट ज्यादा आया देख लो, फोर लैम्डा फोर वाला आया है। तो यहाँ पे तो कहीं पे जो ई नेट आ रही होगी वो यहाँ आ रही होगी, यानी यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे आपकी ई नेट की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से ई नेट भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन में पूछा जाए तो कहाँ मिलेगी ई नेट, तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हो, ई नेट भी निकाल सकते हो। जो माइनस थ्री है मैम वो अपने तरफ पॉजिटिव जे एक्सिस में नहीं लगा मैम इलेक्ट्रिक फील्ड मैम, बिकॉज़ कि वो माइनस में है, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, वो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि उसके पास खुद माइनस थ्री लैम्डा है, तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मैम समझ नहीं मैम आपने क्या कहा, अच्छा तुम बोल रहे हो कि नेगेटिव वाला है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होनी चाहिए। यस मैम, यस मैम, यस मैम, टुवर्ड्स ई, इसकी वजह से कितना आया है हमारा, नेगेटिव जे आया है, यानी इसकी वजह से आया हमारा अपोजिट, ये कह रहे हो
अच्छा यस मैम पॉजिटिव जे पॉजिटिव जे आनी चाहिए मैम पॉजिटिव जे डायरेक्शन में ओके माइनस 3 पॉजिटिव नहीं होगी ना ये एक सेकंड माइनस 3 लैम्डा के लिए आना चाहिए टुवर्ड्स राइट यही कह रहे हो ना यस मैम यस मैम इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए टुवर्ड्स और ये जा रही है अवे यस मैम शायद से पॉजिटिव जे एक्सिस होगा तो यहाँ क्या हो सकता है मैम कैलकुलेशन हाँ पॉजिटिव में लेंगे ना मैम पॉजिटिव जे एक्सिस में लेंगे मैम आपने शायद माइनस जे में ले लिया यस मैम 4 लैम्डा का तो ऊपर आ रहा था ना 4 लैम्डा का तो ऊपर आएगा मैम 3 लैम्डा के लिए भी ऊपर ही आएगा चलो 3 लैम्डा के लिए भी ऊपर ही आ रहा है क्या यस मैम बढ़िया यस मैम बाकी आप सॉल्यूशन में चेक कर लीजिए मैं सॉल्व करके देखूंगा नहीं मैम ऊपर ही आ रहा है पर मैम आपने ई नेट जो है वो येलो वाला बनाया ना तो ई नेट है ये येलो वाला है अगर वो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है इस वाले की 4 लैम्डा की जो तुमने मुझे बताई है मैं अपने ई नेट तो सही बनाया पर जो 3 लैम्डा वाला है उसका प्लस जे में ही आएगा एक सेकंड मैं वो देख लेती हूं मैम जो 3 लैम्डा उसका तो नेगेटिव जे ही होगा ना नीटिंग तो यही रहेगा बात डायरेक्शन की है एक सेकंड में डायरेक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव जे में ही चाहिए राइट नेगेटिव की वजह से होना तो पॉजिटिव जे में ही चाहिए यस कहां आएगा पॉजिटिव जे में ही आएगा पर नेट वही होगा मैम नेट तो नेट आप देखो कहां पे आएगा यही जाएगा है ना यस मैम नेट तो वही होगा मैम बस थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व अप्लाई कर सकते हो तो देखो ये भी बहुत ये तरीका भी सही था अगर तुम्हें नेट नहीं निकालना आ रहा हो तो ये भी देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगी अवे होगी तो लैम्डा वाला तो जो था फर्स्ट वाला उसकी वजह से अवे होगी यानी इन द पॉजिटिव आई डायरेक्शन तो उसके लिए पॉजिटिव आई आया 2 लैम्डा की वजह से भी अवे होगी यानी नेगेटिव आई आ गया 4 लैम्डा यहाँ पे है उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ होगी अवे होगी अवे यानी कौन सी डायरेक्शन में आई देखो प्लस जे पॉजिटिव जे के हाँ अगर नेगेटिव है तो उसके लिए अट्रैक्ट करेगा यानी भाई सेम ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो इस तरीके से भी कर सकते हो और कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो दोनों मेथड तुम लोगों को पता चल गए एग्जाम में जो तुम्हारा मन करे जो तुम्हें सूटेड लगे वो कर लेना मैम जैसे डायग्राम है मैम जैसे अभी आपने बताया वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या फिर ये मेथड वाला देखो वो तुम जब टाइम के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें खुद पता चल जाए वैसे ये वाला मेथड मुझे आसान लगा कि पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे हमेशा अवे होनी है और तुम्हें सेंटर पे चाहिए तो तुम देख लो उसकी वजह से सेंटर पे कहाँ जाएगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होनी चाहिए तो कोई सा भी अवे वाला मेथड सबसे बेस्ट है तो वही मेथड अपना लो अवे वाला टाइम लगेगा नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3 लैम्डा की माइनस 3 लैम्डा की डायरेक्शन चेंज होने पर अगर माइनस 3 लैम्डा की तुमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा ना फिर माइनस 3 लैम्डा की जो वो होगी वैल्यू वो नेट वैल्यू कहाँ आएगी तुम्हारी नेगेटिव नीचे की तरफ ऐड हो जाएगी इस वजह से वैसे जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज में ही आते हैं ना वो ऐड हो जाएगी देखो अब यहाँ पे क्या होगा ये जो मैंने E3 लैम्डा जो डाउनवर्ड्स में बनाया है इसको क्या बनाना पड़ेगा देखो ऊपर बनाना मैम वो ऐड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये ऐड हो जाएगी E3 लैम्डा बट नेट अभी भी यही आएगा ठीक है ओके मैम इस तरीके से सॉल्व ये देखो ये ज्यादा इजी है कि लैम्डा से अभी होनी चाहिए तो इस तरीके से निकालना ये कॉम्पोनेंट्स लेके मत करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बार बार नहीं बनाते घूमोगे ठीक है चलिए अब है आपके पास ये होमवर्क क्वेश्चन है ये घर से करना ये भी एडवांस लेवल का होमवर्क क्वेश्चन है ये भी घर से करना मैं पीपीटी सेंड कर दूंगी अब आ जाओ नेक्स्ट डेरिवेशन ठीक है हमारे पास कितने मिनट है हाँ हमारे पास 20 मिनट है हो जाएगा हो जाना चाहिए देखो
क्या है क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. तो यानी आपके पास यहाँ पे एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है, उस डिस्क की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक पॉइंट पे जो कि इससे एक्स डिस्टेंस दूरी पे है. कलाकारी कभी, ठीक है, उसके सेंटर से एक्स दूरी पे है, मान लो पॉइंट पी. इस पॉइंट पी पे तुम्हें डिस्क की वजह से क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो सबसे पहले मुझे बताओ डिस्क कैसा एलिमेंट है? 2D, 3D, 4D, 60, 7D, 10D, 1D. 2D. I'm 2D. 2D. Very good. डिस्क कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D ऑब्जेक्ट है. 2D ऑब्जेक्ट है तो हम कैसा सरफेस चार्ज डेंसिटी लेके चलेंगे? सिग्मा. सिग्मा. अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे है कि मुझे मेरा दूसरा सवाल है जो आपकी ये डिस्क है ये किस चीज से मिलके बनी होगी? एलिमेंट अगर लेना चाहो छोटू एलिमेंट. करेक्ट, जिसने बोला रिंग. वेरी गुड. देखो ये किससे मिलके बनी होगी बच्चों? रिंग से मिलके बनी होगी. जैसे कि देखो ये एक छोटी रिंग होगी, फिर ये एक छोटी रिंग होगी, फिर ये एक छोटी रिंग होगी. स्पेस नहीं होगा ना, ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए बना रही हूँ. पंखा चला के ये रिंग चला. ये देखो यहाँ से क्या हो गया, ये ऐसे ऐसे करके ये पूरी रिंग क्या रिंग किसमें बन जाएगी? डिस्क में बन जाएगी. ठीक है, इस तरीके से आ गए हम लोग. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो चार्ज एलिमेंट लेने वाले हैं वो क्या लेंगे? रिंग लेंगे. समझाने के लिए बनाया था, रब करना पड़ेगा. तो अपनी नोटबुक्स में लिखो, टेक अ स्मॉल रिंग एलिमेंट, टेक अ स्मॉल रिंग एलिमेंट, छोटा सा रिंग एलिमेंट काटो ऑफ रेडियस, कोई भी एक रेडियस का, ये लो एरी मेरी रिंग. इस रिंग की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, क्योंकि हम रेडियस ये वाला सीख चुके हैं. ये एंगल थीटा, कितने रेडियस की मान लू, समझो एक्स रेडियस की मैंने मान ली, ठीक है, इसकी रेडियस है आपके पास आर. तो स्मॉल रिंग एलिमेंट ऑफ रेडियस एक्स, ठीक है, छोटा सा रिंग एलिमेंट रेडियस. थिकनेस भी माननी पड़ेगी भाई, थिकनेस मान लो कितनी, डी एक्स. मान लो इसके पास जो चार्ज है छोटू चार्ज है, हैविंग चार्ज, हैव चार्ज डी. तो यहाँ पे निकालो, मतलब रिंग के लिए, रिंग पे चार्ज मैंने माना है डी क्यू. इतनी छोटे छोटे चार्ज से मिलके पूरा चार्ज इकट्ठा होगा और उसकी वजह से पी पे निकलेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैंने आपको रिंग के लिए निकालनी सिखाई है, तो मुझे बताओ क्या होगा? डीक्यू अपॉन एक्स, केक्यू अपॉन एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अच्छा, आपने अगर ये एक्स मान लिया, इसकी डिस्टेंस एक्स मान ली, फिर इसको भाई ए मान लो यहाँ पे, कि ये दोनों डिस्टेंस होगी, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये वाली डिस्टेंस, ये वाला इसके ऊपर चार्ज डीक्यू है, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी आई थी, 3/2. और एक हमारे पास था ये वाला डिस्टेंस जिसे था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे ए था, यहाँ पे हो जाएगा ए, वहां पे एक्स था, बट कॉन्सेप्ट याद रखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो यहाँ पे हमने ले लिया ए. ठीक है भाई, अब आप मुझे डी क्यू की वैल्यू बताओ क्या रखें. डी क्यू चलो सिग्मा डी ए. एग्री?
यस मैम के सिग्मा डी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ए साथ में चली रहा है। अब डी ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। अब देखो डी ए की वैल्यू यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जो जो चीजें अलग से लेते जा रहे हैं। ये डी ए किसका एलिमेंट एरिया है, रिंग एलिमेंट का। मान लो एक छोटा सा मेरे पास एल लेंथ की वायर थी छोटी सी, उसी का मैंने सर्कल बना दिया, तो उसका जब तुम एरिया लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी होगी उसका, सर्कमफ्रेंस कितना 2πr, विड्थ कितनी है यहाँ 2πx, यानी x रेडियस का विड्थ कितनी है भाई इसका dx, ऑफ थिकनेस ये dx, तो कितना होगा ब्रेथ कितनी हो गई इसकी dx, तो dA कितना आ गया देखो 2πx dx, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे देखो जो सुनो जो जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें बाहर ले लो, टेक द कांस्टेंट टर्म्स आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। के इज द कांस्टेंट टर्म, के इज आउट, सिग्मा इज द कांस्टेंट टर्म, के सिग्मा इज आउट, ए इज द कांस्टेंट टर्म, ए को भी बाहर ले लिया, देखो ए कांस्टेंट है बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा डीए की वैल्यू रखो 2πr आती 2πr को भी बाहर ले लो, यहाँ बचा आपके पास एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, सही है भाई। इन लिमिट देखो कहाँ से कहाँ लगाएंगे, डिस्क के सेंटर से जाओगे कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक डिस्क के सेंटर से जाओगे यहाँ तक, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी उसकी जो जो आपकी जो डिस्क है उसके सेंटर से चलोगे और उसके अपर लिमिट तक क्या कर दोगे भाई, उसके अपर लिमिट तक इंटीग्रेट कर दोगे, तो जीरो से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक इंटीग्रेशन कर दोगे। मैम कैपिटल आर तक ही तो करेंगे मैम, जीरो टू कैपिटल आर, एंड क्योंकि जीरो से एलिमेंट मिलना स्टार्ट हो गए हैं कैपिटल आर तक मिलेंगे एलिमेंट, क्या है ना मैंने कैपिटल आर से जीरो से लेके कैपिटल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक लिखा है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है यहाँ से। बट मैम ऐसा क्यों हुआ मैम, हम ये वाली लेंथ क्यों ली गई है, देखो मुझे पूरा ये ऐसे ली गई है, देखो यहाँ पॉइंट पे ऐसे है ना, ये वाली लेंथ ऐसे ली गई है इस यहाँ सेंटर से पॉइंट पी पे निकालनी है। तो देखो मान लो मैं सिर्फ मान रही हूँ कि ये एक ऐसी डिस्क है जिसके पास सिर्फ तीन रिंग है, तो देखो एक इसकी वजह से होगी और फाइनल कहाँ से जाएगी, जीरो से लेके इंटीग्रेट, अगर इनके बीच में भी होगी तो फाइनल कहाँ जाएगी, यहाँ तक। तो ये अगर रेडियस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो कहाँ तक लिमिट लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक, कि इसके बीच के जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाए कवर हो जाए। मैम जैसे आप बता रहे हो मैम जीरो की जगह मैम फिर ए रखना चाहिए ना, क्योंकि जीरो की जगह ए, मैम आप डिस्टेंस ले दो रिंग से लेके पॉइंट तक का, तो मैम ऐसे जीरो जीरो की जगह मैम ए रखना चाहिए ना, क्योंकि सेंटर से तो वही पॉइंट से जा रही है पी तक ए डिस्टेंस। अच्छा तुम कह रहे हो कि यहाँ पे जब जहाँ पे हमने जीरो लिया है यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन में ले लू ए की वैल्यू है, समझ गई। देखो वो क्या होगा जहाँ पे अगर मान लो ये x की वैल्यू कौन सी है, सुनो मेरी बात, ये जो तुमने लिखा है समझ गए मैं, सुनो यहाँ पे ये जो तुमने लिखी है x a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर जो तुमने लिखा है, अगर ये a की वैल्यू क्या हो जाती, अगर क्या होगा ये r की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई, सुनो ये r की वैल्यू जीरो हो गई, तो वहां पे तुम्हारे पास जो लिमिट आएगी इसमें वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, क्या आएगी वहां पे लिमिट ए, यही तो लिमिट गई ए स्क्वायर है ना, तो लिमिट क्या आ गई आपके पास ए आ गई, वो बच्चा इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आपके पास रेडियस जीरो होगा यानी द पॉइंट ऑफ सेंटर, द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सेंटर, अगर उस पॉइंट पे आपका रेडियस जीरो है तो यहाँ पे आपकी वो लिमिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो
दोबारा क्यों लेना चाह रहे हो? इस वजह से बोलो, समझ आया? ओके मैम। देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में तुम कह रहे हो कि यहाँ से ले लो ए से, तो ए का मतलब क्या है? सेंटर वाली रिंग, जो सेंटर वाली रिंग है उसके लिए तुम्हारा रेडियस क्या हो जाएगा डिस्क का? रेडियस ऑफ द डिस्क विल बी जीरो, तो लिमिट क्या आ गई? ये आ गई। तो तुम अगर फिर दोबारा, अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिमिट अगर ए से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ले लूं और यहाँ पे इंटीग्रेशन के करते वक्त आर जीरो हो जाए, तो लिमिट क्या बन गई तुम्हारी? ए से ए। ये क्या हुआ? गलत हो गया ना। तो देखो इंटीग्रेशन जब करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, तो जैसा कॉपियों में दिया हुआ है, 100 किताबों में लिखा हुआ है, वो गलत नहीं लिखा होगा। तो ये है। चलिए अब मुझे इंटीग्रेशन करके बताओ, अब तुम्हारा काम है। चलो ये तो सब सब वक्त था, सबको समझ में आया कि भाई जीरो से क्यों लिया है? यस मैम। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब मैं तुम्हें घर के लिए ये होमवर्क दे रही हूँ, क्या आया यहाँ पे? e की वैल्यू हमारे पास आई इंटीग्रेशन जीरो टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये एक्स में बार बार लिख रही हूँ, ये ए है, ए प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट थम थी उन्हें खुद लिख लेना, ये एक्स डी एक्स यहाँ पे था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पार 3/2, भाई एक्स है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को किसी दूसरी टर्म के बराबर मान लो, सपोज वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2x dx इक्वल्स टू 2y dy। अब यहाँ पे रख दो, मैं सिर्फ अंदर वाला सॉल्व कर रही हूँ, x dx की जगह कितना आ गया y dy, x प्लस ए स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की पावर 3/2 कितना आ गया y dy, y क्यूब, y क्यूब, तो ये यहाँ से एक पावर कैंसिल हो गई, कितना आ गया 1/y dy। इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना मिलेगा, -1/ यही मिलेगा। और लिमिट्स क्या है, जीरो से लेके ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो यहाँ रहेंगी। अब क्या आएगा जब रख दिया आपने, -1/y और ये है आपका जीरो, -1/0 तो क्या हो जाएगा भाई? जीरो, देखो इंटीग्रेशन सही है, इंफिनिटी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? वाई डी वाई, वाई स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास वाई क्यूब, तो वाई से ये कैंसिल, वाई से लेना था ना, तो -1/y बचेगा, यही बचेगा ना मैम? हाँ बोलो मैम। शायद ना आपने जहाँ से जीरो से लेकर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट लिया, शायद ए से लेना था। एक बार आप पहले वाले साइड पर करना मैम, आपने ये जो वो रिंग्स है ये आपने सेंटर से लेना स्टार्ट किया, फिर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है पी तक वहां तक लिया, तो ए आना चाहिए ना पहले, तो यहाँ पे जीरो की जगह ए आना चाहिए, ये बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा अगर ए रखते हैं तो क्या मेरा इंटीग्रेशन सही आएगा? देखना अगर यहाँ पे रखती हूँ तो ये क्या आ गया मेरा, -1/√a² + r² और ये हो गया प्लस का 1/a और ये कांस्टेंट टर्म। हाँ अब तो मेरा, अब तो इंटीग्रेशन सही आ गया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जो थी वो बाहर ले लो, k सिग्मा 2πa, ठीक है। तो शायद इंटीग्रेशन हो सकता है मेरा मुझसे कोई एरर हो गई हो, तो इंटीग्रेशन ए से ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला जो ए है यहाँ से लेके हम लोगों ने ये वाले एंड तक गए हैं, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। क्लास में एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे, मोटा मोटा तो हो गया है, लिमिट्स का थोड़ा है, ठीक है। एक बार लिमिट्स का हम देख लेंगे कि ए से ले रहे हैं या जीरो से ले रहे हैं, ठीक है। मैम
मैम ये क्वेश्चन एक बार दोबारा बाद में समझा देना मैम, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। इस वाले में? यस मैम। कोई बात नहीं, इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? नोट करिए। थैंक यू मैम। मैं एक बार अगली स्लाइड दिखा देता हूं। इसका क्या दिखाऊं? सेकंड पेज। नेक्स्ट अगली स्लाइड। यस अगली स्लाइड। यस मैम। हम इसकी पीडीएफ भेज देना अभी। हाँ इसकी पीडीएफ भेज जाएगी। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग मैम। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। आंसर भी और इंटीग्रेशन भी ऐसा होगा, लिमिट्स ए से लगेगी, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। Good night, Bye. Ma'am. Night, everyone. Bye.